पिटाई की। दरअसल राजधानी भोपाल में दो महिलाओं ने पार्षद की पिटाई कर दी। आरोप है कि पार्षद महिलाओं के साथ बदतमीजी करता था, जिसके बाद महिलाओं ने बीच बाजार ही उसकी पिटाई कर दी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है और अब इस मामले में सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी पार्षद की बीच बाजार पिटाई। पार्षद की पिटाई, सियासत गरमाई। बीजेपी पार्षद की दो महिलाओं ने बीच बाजार धुनाई कर दी। महिलाओं का आरोप है कि पार्षद बदतमीजी करता है, दुकान को अवैध बताकर तोड़वाने की धमकी देता है। इससे तंग आकर महिलाओं ने उसकी पिटाई कर दी। पार्षद ने सफाई देते हुए कहा कि मैंने गुमठी विरोधी मुहिम छेड़ी, इसीलिए मेरे साथ ये सब करवाया जा रहा है। जिन महिलाओं ने मुझे पीटा है वो पुलिस केस की धमकी दे रही हैं। जब ये महिलाओं के साथ मेरे ऊपर हमले करवा रहे थे, तब पारस मीना की पत्नी बोल रही थी, अभी रुक, तेरे खिलाफ 376 का भी मुकदमा दर्ज करवाऊंगी, फिर तू जेल में सड़ेगा। ऐसा सोशल मीडिया की जो पोस्ट मार्केट में चल रही है उसमें साफ सुनाई दे रहा है। मेरी और मेरे परिवार को और मुझे जान का खतरा है। उधर पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि यह असली बीजेपी है, जिससे लोग इतने परेशान हो गए हैं कि महिलाओं ने बीजेपी पार्षद की सरेआम पिटाई कर दी। हालांकि बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है, मामले की जाँच करवाई जाएगी। भाजपा के पार्षद की कल महिलाओं ने पिटाई करी है, वो दिखाता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है। आप चाहे दलितों को पीटने की बात हो, आदिवासियों पर पेशाब करने की बात हो, उसमें सब जगह भाजपा के नेता शामिल होते हैं, उन्हीं के सहयोगी शामिल होते हैं। जो पूरा प्रकरण सामने आया है उसमें स्थानीय नेतृत्व की ओर से, जिले की टीम की ओर से, संबंधित व्यक्ति से नोटिस तलब कर जवाब मांगा गया है और पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित करने जा रही है कि महिलाओं का जो सम्मान है उसको सर्वोपरि रखा जाए और संगठन की ओर से कभी भी कोई ऐसा काम न हो जिसके कारण शर्मसार होना पड़े, और इस दिशा में पार्टी का संगठन बहुत गंभीर है और लगातार उस पर एक्शन ले रहा है। पार्षद से मारपीट करने वाली महिलाएं सास बहु बताई जा रही हैं। बीजेपी ने पार्षद को नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।